असलम टुडे वी आर गोइंगस अबाउट ला ऑफ मैस एक्शन गुलबर्ग और वेग ने 1869 के अंदर एक ला दिया इस ला के अंदर इन्होंने रेट जो था रिएक्शन का रेट उसको सबस्टांसिस के एक्टिव मैस से इन्होंने रिलेट किया इन्होंने एक ला दिया अकॉर्डिंग टू दिस ला द रेट एट विच रियक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस एक्टिव मैस एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट एक्टिव मैसेज ऑफ ए रिएक्टिंग सब्सटांसेज यहां तक इस ला को समझने के लिए हम इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं द रेट एड विच रिएक्ट इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस यानी के जो सब्सटांस का जो रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि सब्सटांस का मैस कितना है जिसका मैस जिस सब्सटेंस का मैस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा उसका रेट ज़्यादा होगा जिस सब्सटेंस का एक्टिव मैस कम होगा उसका जो रेट है वो भी कम होगा और द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के यानी जो रिएक्ट कर रहे हैं सब्सटेंसेस उनके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन जनरली एक्टिव मैसेज इज कंसिडर्ड एज मोलर कंसनट्रेशन एक्टिव मैसेज क्या होता है कि मोलर कंसनट्रेशन होती है और इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और एक्टिव मैस को जो शो किया जाता है वो किया जाता है स्केयर ब्रैकेट्स के जरिए एक्टिव मैथ कह सकते हैं हम कि जस्ट कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिएक्शन ये एक रिवर्सिबल uh, रिएक्शन है ए प्लस बी इसके अंदर रिएक्टेंट है सी प्लस डी इसके अंदर प्रोडक्ट uh, है रिवर्सिबल रिएक्शन है और के एफ मीन फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट के आर मीन रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन द रेट ऑफ फारवर्ड रिएक्शन अब दो रिएक्शन हैं एक फारवर्ड रिएक्शन एक रिवर्स रिएक्शन तो रेट ऑफ फारवर्ड तो रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स फारवर्ड रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं एंड बी हैं तो उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएँगे तो प्रोपोशनैलिटी कॉन्स्टेंट आएगा के एफ इज़ द प्रोपोशनैलिटी कॉन्स्टेंट ऑफ फॉर्वर्ड रिएक्शन और ए मल्टीप्लाय बी सिमिलरली जब हम देखते हैं रिवर्स रिएक्शन को तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो C एंड D हैं जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा आ, के आर आ, और C एंड D आएगा अब हमें पता है कि रेट ऑफ फ़ॉरवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी हमारे पास क्या है के एफ ए इंटू बी इज़ इक्वल टू जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो है के आर सी इन टू डी के अब के एफ़ ओवर के आर हम करेंगे तो ए और बी इधर डिवीजन के अंदर आ जाएंगे तो के, के सी इज इक्वल टू के एफ़ ओवर के आर तो ये क्या है के सी इज का नाउन एज इक्वलीब्रियम कांस्टेंट और के एफ़ ओवर के आर की जगह हम के सी लिख देते हैं दिस इज एन इक्म कॉन्स्टेंट अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करना है जनरल रिएक्शन के जरिए दैट वाज नॉट अ जनरल रिएक्शन सो एक आम तौर पर जो रिएक्शन होता है ए ए बी बी सी सी एंड डी डी यहाँ पर जो समालर ए बी सी लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि ये इसकी ए, ए, क्या है कोफिशेंट है यानी ए कोई भी एलिमेंट है और आ, जो ए है वो उसका कोफिशेंट है अकॉर्डिंग टू दिस रॉ इस रॉ के मुताबिक द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ इस रिएक्टेंट रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन यानी जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन होगी उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा और मजीद क्या रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये जो स्मॉल ए बी सी में है ये नंबर ऑफ़ मोल हैं ये कोफिशेंट हैं ये आ, पावर के अंदर चले जाएंगे लेट अस फर्स्ट डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन इसी रिएक्शन का हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखें तो ए और बी इस फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं तो ए एंड बी आ जाएंगे और जो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ऊपर पावर पावर में चले गए हैं सो आर एफ इज़ इक्वल टू के एफ़ ए की पावर ए इन टू बी की पावर बी सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी होगा सी सी डी डी इन दिस वे अब जब इनको हम कंबाइन करते हैं रेट ऑफ़ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ़ रिवर्स रिएक्शन को तो सेम उसी तरह के सी हमारे पास आ जाता है और दिस इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपसे क्वेश्चन uh, ये आता है एग्ज़ाम के अंदर स्ट्रेट लाफ मास एक्शन एंड ड्राइव द रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन तो आप ये जो दूसरे वाला है जिसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स भी मैंशनड हैं पावर में आप ये वाला रिएक्शन लिखेंगे और स्टेटमेंट लाफ मास एक्शन की वो आप लिखेंगे यहां पर एक एग्जाम्पल है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन आर आर द एंड दे मेकिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड सो यहां पर भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एन टू और ओ टू के जो मोलर कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा और रिवर्स रिएक्शन में एन NO, ओ और उसकी पार टू यानी कि एन ओ के साथ दो आ, मोल्स हैं टू इज़ द नंबर ऑफ मोल्स तो वो ऊपर स्केयर के अंदर चले जाएंगे. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन इसके लिए ये बन जाएगा Kc सी इज़ इक्वल टू एन ओ का स्केयर ओवर मोलर कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन टू मूल कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से ये पता चलता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आइडिया हो गया हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिंपली क्या है अगर इसको डिफाइन करना हो दिस इज़ अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ कोशन टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर ऑफ कोफिशेंट एज एक्सप्रेस इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी जो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं उनके प्रोडक्ट वो निनोमिनेटर में आएंगे और नोमिनेटर के अंदर और रेज टू पार ऑफ कोफिशेंट ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पार ऑफ कोफिशेंट्स ये कोफिशंट क्या हैं दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स एक आ, मजीद जो बात है यहाँ पर बताने वाली कि केसी का कोई यूनिट नहीं होता उसकी वजह यह है कि दो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे बराबर होते हैं इसलिए आ, इनका कोई यूनिट केसी का नहीं होता फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड की यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी हुई है हाइड्रोजन और आयोडीन एक मोल हाइड्रोजन का एक मोल आयोडीन का मिलता है और दो मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं अब इसके यूनिट्स हमने देखे कंसनट्रेशन के यूनिट हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है तो ये यूनिट हम जब ने ड्राइव किए तो यहाँ पर आ, सारे डिवीजन में कट गए और कोई यूनिट यहाँ पर नहीं आता